नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक को लिए हुए हैं, और इतिहास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी दक्षिण भारत के राजवंशों को देखा था। ठीक है, आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर खत्म होता जा रहे हैं, वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करेंगे हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण देखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया। याद रखिए, अरबों ने सर्वप्रथम 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय असफल आक्रमण किया। मतलब तब आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, 636 ईस्वी के पश्चात भडोच सिंध की देवल खाड़ी मकरान पर आक्रमण होते रहे लेकिन सफल नहीं हुए थे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरिहल विहटरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंड करने के लिए प्रथम दो सेनापति उबेदुल्ला तथा बुदेल को भेजा। हजाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अल हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का फेतन सफल रहा। याद रखिए, अरबों में मोहम्मद बिन कासिम का प्रयत्न सफल रहा भारत पर आक्रमण का। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिए, पूछ लेता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय 712 ईस्वी में की। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में की। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है हमें। किससे? चचनामा से। आगे बात करते हैं सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। कहाँ का? सिंध का। ठीक है, दाहिर के पिता का नाम चच था। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम प्रचार प्रसार करना था। अरब वासियों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रचार करना था, प्रचार प्रसार। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए थे। पूछ लेता है अरब आक्रमणकारी कहाँ से, किस रास्ते से आए थे? तो बोलन दर्रे से। ठीक है, अल हज्जाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनेद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनेद को पिथिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती का प्रचलन किया। पूछ लेता है अरबों ने सिंध में क्या क्या प्रचलन किया था? ऊंट का पालन और खजूर की खेती के। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया। दिरहम। फिर है आपका महमूद गजनवी। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। आगे बात करते हैं हम लोग सुबुक्तगीन।
गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। सुबुतगीन का उत्तराधिकारी हुआ महमूद गजनवी। सुबुतगीन के शासनकाल में गजनवी खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई ई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था तथा सीमा पर कुछ किलों को जीता था इसने 1001 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। दूसरे आक्रमण कब किया इसने? 1001 ईस्वी में। इसमें इसने जयपाल को पेशावर के जयपाल को पराजित किया था। जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठाया। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। कब? 1018 में जीता। ठीक है, फिर महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? यमीन उद दौला, यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। याद रखिए, ये तो बहुत बार पूछ लिया है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 में। ठीक है, ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्तियों के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल ने संधि करनी पड़ी 1008 में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी का दूसरा का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। कौन? उत्वी। ठीक है, किताब उल यामनी की रचना उत्वी ने की थी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। ये तो कई बार पूछ लेते हैं रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं हर समय की याद रखा करिए। शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने। ठीक है, अलवरुनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की। शाहनामा की फिरदौसी ने और किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की अलवरुनी ने। महमूद गजनवी के साथ उत्वी, फिरदौसी, अलवरुनी, बेहाकी एवं फारूकी विद्वान भारत आए। महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनवी के दो पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद। ठीक है, महमूद गजनवी की सेना में संबेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। गजनवी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुद्ध सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी का पुत्र पूरा नाम था सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। ठीक है, प्रथम पराजय किससे? मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में पराजित किया था।
बात करते हैं भारत पर गौरी के आक्रमण। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी को मुकाबला किया, उसे को परास्त किया। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन भीम द्वितीय ने इसे हरा दिया, पराजित कर दिया। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी। फिर इसने 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। ग्यारह सौ पचासी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 मोहम्मद गौरी पुनः लाहौर पर आक्रमण किया इसने। फिर 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। गौरी इसमें मोहम्मद गौरी ने में इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजय हुआ। ठीक है, फिर हुआ तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया। 1193 में, याद रखना, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1193 में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बना। ठीक है, 1194 में चंदाबाई का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई। परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रथम अधिपत्य स्थापित हो गया। 1195-96 में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1196 में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना प्रारंभ किया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1205 में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। झेलम चेनाव नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ इस समय 1205 में। और 15 मार्च 1206 गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया। उसके शव को गजनी में दफनाया। याद रखना है आपको, 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, इसे मार दिया गया और इसका शव गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने अपने बीच विजित विदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। ठीक, याद रखिए, ये थे हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत को।